नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है हर्षित द्विवेदी। फ्रेंड्स, तो मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी इस वीडियो में। इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको रामनाथ गोयनका जी के बारे में बताऊंगा। इंडियन एक्सप्रेस कैसे बना, रामनाथ गोयनका जी ने कैसे उसको बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचाया, ठीक है। फिर रामनाथ गोयनका जी की जो कांग्रेस से फाइट हुई थी इमरजेंसी के टाइम पे, जो उनके इंदिरा गांधी जी के साथ मतभेद थे, संजय गांधी जी के बाद मतभेद थे, ठीक है। और बाद में जब राजीव गांधी जी की सरकार आई तो उनके साथ भी उनके मतभेद हुए, धीरूभाई अंबानी से जो उनकी लड़ाई हुई, ये हर चीज़ रामनाथ गोयनका जी के बारे में मैं आपको समझाऊंगा। रामनाथ गोयनका जी के नाम के जो अवार्ड्स मिलते हैं जर्नलिस्टिक फील्ड्स में, वो भी आज की बहुत डेट में बहुत ज़्यादा फेमस हैं। तो एक तरीके से हर चीज़ रामनाथ गोयनका जी के बारे में मैं आपको बताऊंगा इस छोटी सी वीडियो में। तो देखिए शुरू करते हैं फ्रेंड। शुरू करने से पहले अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो गोयनका जी का जन्म 3 अप्रैल 1904 में दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था बिहार के। इनकी मृत्यु हुई बॉम्बे में 5 अक्टूबर 1991 को। तो 1904 से 1991 87 साल ये जिए हैं और अपने 87 साल के इन्होंने जीवन काल में बहुत कुछ किया है। इंडियन न्यूज़पेपर पब्लिशर माने गए हैं और गवर्नमेंट करप्शन के पास खिलाफ इन्होंने एक जंग छेड़ी थी और अपनी मृत्यु तक इस जंग को ये लड़ते रहे। कभी भी पैसों के सामने इन्होंने घुटने नहीं टेके। 1922 में क्या हुआ कि इनकी फैमिली ने इनको मद्रास भेजा, कोई सुखदेव दौस राम प्रसाद थे उनके एजेंट की तरह, 30 रुपये की इनकी तनख्वाह थी और इनको भेजा गया था ताकि यान और जूट में डीलरशिप कर सकें। तो थोड़ा बहुत बिजनेस वाला जो एलिमेंट था इनके अंदर पहले से ही था। वहाँ पे जाके एक फैमिली थी चौधरी नाम की, वहाँ पे उनके यहाँ रहने लगे, मंडवा करके एक 23 पेरिया नायकर स्ट्रीट है उस जगह पे, ठीक है। इन्होंने इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप बनाया, ठीक है, और उस ग्रुप को ग्रुप का काम था इंग्लिश में भी और बहुत सारी रीजनल लैंग्वेजेस में भी इंडियन एक्सप्रेस के पब्लिकेशंस निकलते थे, ठीक है फ्रेंड्स। अब किस तरीके से उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप को बनाया, ये एक देखने वाली बात है, तो इसको हम देखेंगे फ्रेंड्स। देखिए इंडियन एक्सप्रेस की शुरुआत किस तरीके से हुई। इंडियन एक्सप्रेस को फाउंड नहीं किया था आपका गोयनका जी ने। इंडियन एक्सप्रेस की फाउंडेशन हुई थी 1931 में, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर थे पी वरद राजुलू नायडू, उन्होंने चेन्नई में इंडियन एक्सप्रेस नाम का न्यूज़पेपर शुरू किया था। लेकिन फाइनेंशियल डिफिकल्टीज की वजह से उन्होंने ये न्यूज़पेपर स्वामीनाथन, यानी वरद राजलू नायडू ने न्यूज़पेपर स्वामीनाथन सदानंद को बेच दिया। अब ये स्वामीनाथन समानंद जो थे वो एक न्यूज़पेपर एजेंसी है, नेशनल न्यूज़ एजेंसी फ्री प्रेस जनरल, इसके फाउंडर थे वो, तो इनको बेच दिया वो न्यूज़पेपर। अब क्या हुआ कि ये स्वामीनाथ सदानंद जी ने 1933 में मदुरई में तमिल एडिशन लॉन्च किया इंडियन एक्सप्रेस का, जिसका नाम रखा गया दिनामणि, ठीक है। दिनामणि नाम का इन्होंने न्यूज़पेपर लॉन्च किया तमिल में। बहुत सारे अलग अलग इनोवेशंस किए, न्यूज़पेपर के दाम भी बढ़ाए, क्योंकि उस समय पे जो न्यूज़पेपर की व्यूअरशिप थी वो बढ़ नहीं रही थी, इनको न्यूज़पेपर चलाने में काफ़ी परेशानी हो रही थी। तो इस फाइनेंशियल डिफिकल्टी के चलते इस न्यूज़पेपर का एक छोटा सा हिस्सा इन्होंने रामनाथ गोयनका को बेच दिया। तो रामनाथ गोयनका ने एक स्टेक लिया था, देखिए ये जो मैंने यहाँ लिखा हुआ ना कि इन 1934 ही बॉट शेयर्स इन अ लोकल कंपनी दैट ओन द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर। तो ये जो स्टेक्स थे ये आपके सदानंद जी ने रामनाथ गोयनका जी को भेजे थे, क्योंकि उनको पैसे की ज़रूरत थी, सदानंद जी को न्यूज़पेपर से उतने रेवेन्यू आ नहीं पा रहे थे, ठीक है। फिर प्रॉब्लम ये हुई बाद में कि 1935 में जो फ्री प्रेस जर्नल नाम की जो एजेंसी थी ये कोलैप्स कर गई, ठीक है। सदानंद जी के पास बहुत सारी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आ गई, तो इंडियन एक्सप्रेस की ओनरशिप के लिए गोयनका जी के साथ एक लंबा कोर्ट बैटल चला और सदानंद जी इंडियन एक्सप्रेस की ओनरशिप हार गए रामनाथ गोयनका जी को। तो मेजर चंक चला गया रामनाथ गोयनका जी के पास, पर कुछ चंक सदानंद जी के पास भी रहा और कुछ सालों बाद उसको भी रामनाथ गोयनका जी ने ले लिया। तो अब रामनाथ गोयनका जी के पास पूरा कंट्रोल आ चुका था इंडियन एक्सप्रेस का। बट प्रॉब्लम ये थी कि इंडियन एक्सप्रेस की रीडरशिप व्यूअरशिप उस समय पर बहुत ज़्यादा नहीं थी, लगभग 2000 लोग ही उस न्यूज़पेपर को पढ़ते थे। फिर गोयनका जी और भी बहुत सारे न्यूज़पेपर्स के साथ एसोसिएटेड रहे, जैसे कि आंध्र प्रभा नाम का एक तेलुगु न्यूज़पेपर था जो उन्होंने 1939 में खरीदा। फिर 1940 में एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ फ्रेंड्स कि इंडियन एक्सप्रेस के जितने भी प्रमाइसेस थे जहाँ पे उसकी प्रिंटिंग होती थी वहाँ आग लग गई। अब कुछ लोगों का कहना था कि गोयनका जी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज में चल रहे थे तो अपने आपको पब्लिकली क्रिटिसाइजमेंट से बचाने के लिए ज़बरदस्ती उन्होंने इस प्रमाइसेस में आग लगाई थी। बहुत सारी उस समय ऐसी बातें हो रही थी, कितनी सच है कितनी गलत है ये कोई नहीं जानता, ठीक है। अब देखिए जब आग लग गई सब कुछ जल गया तो इंडियन एक्सप्रेस को दोबारा लॉन्च करने में द हिंदू ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। द हिंदू ने मदद की कि इंडियन एक्सप्रेस को दोबारा लॉन्च किया जा सके और स्वदेश मित्रन जो प्रेस था ना, ठीक है, ये भी जी सुब्रमण्य अय्यर का था, इसकी
प्रिंटिंग प्रेस में कुछ समय के लिए इस इंडियन एक्सप्रेस को प्रिंट किया गया फ्रेंड्स, और फिर बाद में टू माउंट रेड करके पहले द हिंदू का एक जगह हुआ करती थी जहां से वो पब्लिश हुआ करता था, उसको फिर वहां पे पब्लिशिंग बंद हो गई थी द हिंदू की, वहां से इंडियन एक्सप्रेस की पब्लिशिंग फिर से शुरू की और उसी को लैंडमार्क एक्सप्रेस स्टेट्स भी कहा जाता है। वो आज की डेट में भी वो जगह फेमस है और इस रू लोकेशन की वजह से कहा जाता है कि इंडियन एक्सप्रेस को अपनी प्रिंटिंग के लिए कुछ नई मशीनें मिली, कुछ हाईटेक मॉडर्नाइजेशन टाइप का मिला। तो इससे रामनाथ गोयनका जी कह सकते हो कि एक तरीके से इंडियन एक्सप्रेस एकदम से शूट अप किया। उसके बाद गोयनका जी की शादी मूंगीबाई से हुई थी, इनकी वाइफ का नाम मूंगीबाई थी, इनके तीन बच्चे थे। मूंगीबाई इनकी ही कास्ट की लेडी थी, इनकी अरेंज मैरिज कराई गई थी। इनके तीन बच्चे थे, भगवान दास जी इनके सबसे बड़े बेटे थे। भगवान दास जी मैनेजिंग डायरेक्टर बने इंडियन एक्सप्रेस के, बट अनफॉर्चुनेटली 1979 में भगवान दास जी जो इनके सबसे बड़े बेटे थे उनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। तो इनकी मृत्यु के बाद गोयनका जी ने सोचा कि किसको इंडियन एक्सप्रेस का कार्यभार दिया जाए, तो फिर विवेक खैतान जी को इसका कार्यभार दिया गया। विवेक खैतान जी गोयनका जी की बड़ी बेटी कृष्ण खैतान के बेटे थे, आज भी ये उसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उसको चला रहे हैं। और यंगेस्ट डॉटर जो थी आपकी गोयनका जी की थी, वो थी राधा सोनथालिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। 1975 में जो जैप ये जो आपका गोयनका जी का रोल था, ये बहुत इंपॉर्टेंट था फ्रेंड्स। ठीक है, एक चीज और है कि कुछ हद तक जो आपके रामनाथ गोयनका जी थे, ये इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में भी एसोसिएटेड थे। इन्होंने गांधी जी और कांग्रेस का सपोर्ट किया था इंडियन फ्रीडम को दिलाने के लिए। हालांकि बहुत ज्यादा ओपनली ये इन्वॉल्व नहीं हुए थे, उसका रीजन ये था क्योंकि ये प्रेस में इन्वॉल्व थे फ्रेंड्स, और बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगने की बात थी, और थे तो ये एक तरीके के बिजनेसमैन, तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में उतना खुल के इन्वॉल्व नहीं हुए थे, बट फिर भी गांधी जी को उन्होंने अपना सपोर्ट दिया था। अब 1975 में क्या हुआ कि जयप्रकाश नारायण जी को प्राइम मिनिस्टर बनाने की बातें चल रही थी, तो इन्होंने अपने न्यूज़पेपर के थ्रू जयप्रकाश नारायण जी की प्राइम मिनिस्टरशिप को सपोर्ट किया। जब ये ऐसा करेंगे तो उस समय पे लीडर कौन है, इंदिरा गांधी जी, कांग्रेस पावर में, तो क्या रूलिंग पार्टी को अच्छा लगेगा? रूलिंग पार्टी को अच्छा नहीं लगा फ्रेंड्स। और उस समय 25 जून के लगभग 1975 के लगभग नेशनल स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगाई गई, इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगा दी गई। बहुत सारे न्यूज़पेपर्स पे हैवी पेनाल्टीज लगी, इंडियन एक्सप्रेस पे भी जबरदस्त पेनाल्टीज लगी। हुआ ये कि जब इमरजेंसी का टाइम था उस समय इंडियन एक्सप्रेस को 50 लाख लोग पढ़ते थे। अब एक इंग्लिश न्यूज़पेपर को अगर 50 लाख लोग पढ़ रहे हैं तो आप समझ सकते हो कि बहुत बड़ी व्यूअरशिप है उसकी। तो उस समय के जो कांग्रेस गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्टर थे श्री सुब्रमण्यम, उन्होंने गोयनका जी से बोला कि आप अपना पेपर इंडियन नेशनल कांग्रेस को बेच दीजिए। अब गोयनका जी की तो पूरी जिंदगी ही वो पेपर थी, गोयनका जी ने मना कर दिया, मैं नहीं अपना पेपर बेचूंगा आपको, और यहीं पे कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। क्योंकि कांग्रेस उस समय पे बहुत ज्यादा डिक्टेटोरियल कैंडिडेट की टेंडेंसी थी, ठीक है ना। तो जब गोयनका जी ने मना कर दिया कि मैं अपना पेपर नहीं बेचूंगा, तो ये बात पसंद नहीं आई इंदिरा गांधी जी को, ठीक है। और फिर काफी धमकियां मिली इनको इंदिरा गांधी जी से, संजय गांधी जी से, पर इन्होंने माना नहीं। देखिए फ्रेंड्स, उस समय इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी, और इंदिरा गांधी जी, संजय गांधी जी ये रूलिंग पार्टी के मेंबर्स थे। कांग्रेस सबसे ज्यादा पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन था इस कंट्री का। उस समय इन लोगों के सामने खड़े होना आसान बात नहीं थी, बहुत ज्यादा गट्स की जरूरत थी, बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर था गोयनका जी के ऊपर, पर फिर भी गोयनका जी ने झुके नहीं। और कांग्रेस ने यह भी कोशिश की कि इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल बोर्ड में वो अपने बंदों को बैठाएं, ठीक है, जिसमें संजय गांधी जी भी एक थे, लेकिन गोयनका जी ने ऐसा होने दिया नहीं, और कांग्रेस के लोगों को अपने एडिटोरियल बोर्ड में उन्होंने नहीं आने दिया, ठीक है। अब जब ये सब चीज़ें हो रही थी, इमरजेंसी लग गई, तो फिर इंडियन एक्सप्रेस जब किसी भी तरीके से गवर्नमेंट के सामने झुकने को तैयार नहीं हो रहा था, तो ऑब्वियस सी बात है गवर्नमेंट रिटेलिएट करेगी। गवर्नमेंट कैसे रिटेलिएट की, 4 करोड़ की टैक्स डिमांड की गई इंडियन एक्सप्रेस से, ठीक है। बैंकों को बोला गया कि आप इंडियन एक्सप्रेस को कोई भी लोन नहीं देंगे। एडवर्टाइजर से बोला गया कि आप इंडियन एक्सप्रेस में कोई भी एडवर्टाइज नहीं छापेंगे। तो अब बैंक लोन नहीं देंगे, एडवर्टाइज नहीं छापेंगे, तो पेपर के पास पैसा कहां से आएगा? जब पैसा ही नहीं आएगा तो पेपर छपेगा नहीं, जब पेपर छपेगा ही नहीं तो फिर आप पेपर को कैसे चलाओगे? बहुत सा खर्चा होता है, पेपर खरीदना होता है, मशीनों को खरीदना होता है, बिजली की जरूरत होती है। तो पता चला बिजली काट दी गई। अब बिजली ही काट देंगे तो प्रिंटिंग होगी कैसे? 2 दिन तक इंडियन एक्सप्रेस प्रिंट नहीं हुआ, और जब 2 दिन बाद प्रिंट हुआ तो फ्रंट पेज पे इंडियन एक्सप्रेस ने सबसे माफी मांगी कि हम माफी मांगते हैं कि हम 2 दिन तक अपना पेपर प्रिंट नहीं कर पाए, जबकि उनकी गलती थी नहीं, उनको जबरदस्ती सरकार दबा रही थी, प्रिंट करने नहीं दे रही थी, बट फिर भी वो क्या करें। और उस समय पे इमरजेंसी के दौरान पे एक बहुत बड़ी चीज हुई थी, ब्लैंक एडिटोरियल। ये देखिए इंडियन एक्सप्रेस का ये
जून 1975 का पेपर है, देखिए एडिटोरियल पूरा ब्लैंक पड़ा हुआ है फ्रेंड्स, कुछ छपा ही नहीं है। ये एक ट्रेडमार्क बन गया, ये इतनी बड़ी चीज थी कि इंडियन एक्सप्रेस ने ब्लैंक एडिटोरियल छापा और ब्लैंक एडिटोरियल से उन्होंने कांग्रेस के सेंसरशिप के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने बोला कि जो कांग्रेस ने इमरजेंसी लगा रखी है इसीलिए हम ये ब्लैंक एडिटोरियल निकाल रहे हैं कि हमें कुछ छापने नहीं दिया जा रहा था। और इसको बहुत जबरदस्त अटेंशन मिला, लोगों ने इसको देखा और लोगों ने समझा कि इस हद तक सरकार की जबरदस्ती हो गई है कि लोग अपनी बात बोल ही नहीं पा रहे हैं। ब्लैंक एडिटोरियल के थ्रू ये दिखाया रामनाथ गोयनका जी ने, ठीक है। फिर इमरजेंसी के दौरान भी अपनी न्यूज रिपोर्ट छाटते रहे गोयनका जी, डरे नहीं गवर्नमेंट से। जब उन्होंने पूछा, लोगों ने बाद में पूछा कि कैसे आप गवर्नमेंट के खिलाफ इतना स्टेडफास्ट होके खड़े हुए हैं, तो गोयनका जी ने एक बात बोली कि मेरे सामने एक समय पे ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि या तो मैं अपनी दिल की सुनूं या मैं अपनी जेब की सुनूं, लेकिन उन्होंने बोला कि मैंने अपनी दिल की बात सुनने को चुना, जेब की बात सुनने को नहीं चुना, ठीक है। और ये बहुत मुश्किल काम था, जितना बोलने में आसान है करने में उतना ही मुश्किल है फ्रेंड्स, ठीक है। अपने न्यूज़पेपर के थ्रू वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ करते रहे अपने न्यूज़पेपर के एडिटोरियल के थ्रू, और बहुत सारे ऐसे कार्टून निकाले जिन्होंने सेंसरशिप को कंडेम्ड किया, इमरजेंसी को कंडेम्ड किया। और जब इमरजेंसी को हटा लिया गया फ्रेंड्स, ठीक है, तो उसके बाद गोयनका जी ने न्यूज़पेपर में बताया कि किस तरीके से कांग्रेस की सरकार ने फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन किए पॉपुलेशन को रोकने के लिए, मास रिसेटलमेंट किए गरीब लोगों के, कितना करप्शन है सरकार में, कितने पॉलिटिकल अरेस्ट किए गए, जबरदस्ती लोगों की आवाज़ को दबाया गया है, ये सब कुछ निकाला और इतने ज़बरदस्त पब्लिशिंग की कि कांग्रेस गवर्नमेंट के खिलाफ एक तरीके से जंग छेड़ दी उन्होंने। और उसके चलते हुआ ये कि 1977 में जब इलेक्शंस हुए तो इंदिरा गांधी जी हार गए। देखिए इंदिरा गांधी जी हारी, लोगों के अंदर गुस्सा था इमरजेंसी की वजह से, इमरजेंसी की वजह से लोग बहुत परेशान थे, तो एक तो वो भी रीजन था, प्लस इंडियन एक्सप्रेस में जो छप रहा था ना उसने भी कांग्रेस की बहुत नेगेटिव पब्लिसिटी की, तो इनका भी एक बहुत बड़ा रोल रहा है कांग्रेस को 1977 के इलेक्शंस में हराने में और जनता पार्टी को जिताने में। लेकिन जब इंदिरा गांधी जी पूरी मेजोरिटी के साथ 1980 में फिर से इलेक्ट होके आएंगी, उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस की हालत खराब होनी ही थी। टैक्स ऑफ प्रॉपर्टी वॉयलेशन नोटिसेस लगाए गए इंदिरा गांधी, इंडियन एक्सप्रेस पे बहुत सारी चीज़ें उसके अगेंस्ट में की गई, क्योंकि ऑब्वियसली बात है इंडियन एक्सप्रेस अब एक तरीके से इंदिरा गांधी जी के एनिमी लिस्ट में आ चुका था। लेकिन फिर क्या हुआ कि इंदिरा गांधी जी के असैसिनेशन हो गया 1984 में, फिर एक तरीके से ट्रूस हो गया कांग्रेस के बीच में और इंडियन ये एक्सप्रेस के बीच में, कांग्रेस और इंडियन एक्सप्रेस के बीच में। और फिर कुछ दिन तक रामनाथ गोयनका जी ने एक एंटी कांग्रेस स्टैंस नहीं लिया, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं किया। उनके असैसिनेशन के बाद राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बने, और फिर 1987 में जब उनको लगा कि राजीव गांधी जी के एडमिनिस्ट्रेशन में भी कुछ गलतियां, तो उन्होंने फिर से राजीव गांधी जी की गवर्नमेंट पे भी चार्जेस लगाने शुरू किए, करप्शन के, नेपोटिज्म के। तो जो एक न्यूज़पेपर का काम होता है कि भाई लोगों के सामने एक राय पहुंचाना और अपनी बात को खुल के बोलना, ये इंडियन एक्सप्रेस और रामनाथ गोयनका जी शुरू से करते आ रहे थे। उन्होंने राजीव गांधी जी के बहुत सारे स्ट्रिंगिंग एडिटोरियल्स लिखे, कार्टून बनाए, और इसकी वजह से उनकी भी बहुत नेगेटिव पब्लिसिटी हुई। और कहा जाता है कि 1989 में जो वीपी सिंह इलेक्शन जीत के आए थे और कांग्रेस की सरकार हारी थी, उसमें भी इंडियन एक्सप्रेस का बहुत बड़ा रोल रहा था, रामनाथ गोयनका जी का बहुत बड़ा रोल रहा था। अच्छा, धीरूभाई अम्बानी जी के साथ भी काफ़ी इनकी वो रही, अगर आपने गुरु मूवी देखी होगी तो उसमें जो रामनाथ गोयनका जी का रोल किया है वो मिथुन चक्रवर्ती ने किया है, ठीक है। तो अगर गुरु मूवी है तो देख ली, वो तो खैर एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई गई, उसमें कभी भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हुई नहीं है। तो पहले ये था कि रामनाथ गोयनका जी और धीरूभाई अम्बानी जी पहले दोस्त थे, फिर बाद में दुश्मन बन गए, क्योंकि था ये कि पॉलिएस्टर के कपड़े के पीछे एक बिजनेस वॉर चल रहा था नूसली वादिया में और धीरूभाई अम्बानी में, ठीक है। और एक तरीके से बाद में रामनाथ गोयनका जी ने अपने एडिटोरियल के थ्रू धीरूभाई अम्बानी के खिलाफ एक तरीके की जंग छोड़ दी थी, और धीरूभाई अम्बानी को लग रहा था कि रामनाथ गोयनका जी नूसली वादिया के साथ मिल गए हैं। तो बहुत सारा ये जो अम्बानी नूसली का पॉलिएस्टर वॉर चल रहा था ना, उसमें नूसली वादिया और अम्बानी जी के बीच में जो लड़ाई चल रही थी, उसमें पहले तो दोस्त थे रामनाथ गोयनका धीरूभाई अम्बानी, लेकिन बाद में रामनाथ गोयनका जी ने धीरूभाई अम्बानी के अगेंस्ट में बहुत सारे एडिटोरियल्स लिखे, एक तरीके से दुश्मन हो गए उनके बाद में, और धीरूभाई अम्बानी को लगता था कि ये नूसली वादिया की तरफ से सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सब तरीके की चीज़ें चलती रहती हैं फ्रेंड्स। उन्होंने रिलायंस के अनएथिकल और करप्ट और मैनिपुलेटिंग प्रैक्टिसेस को बहुत ज़्यादा उजागर किया है। अब कितना किया कितना नहीं किया ये तो मैं बता रहा हूँ कि पहले हुआ क्या है, ठीक है फ्रेंड्स। और इस चीज़ को करने में उनकी एस गुरुमुखी जी ने भी हेल्प की थी, रामनाथ गोयनका की एस गुरुमुखी जी का रोल प्ले किया। आर माधवन ने गुरु मूवी में, और फेमस जर्नलिस्ट थे उस समय के अरुण शौरी, उनका भी रामनाथ गोयनका जी के साथ काफ़ी एसोसिएशन रहा था धीरूभाई अम्बानी के खिलाफ जंग छोड़ने में। तो ये सब चीज़ें थी फ्रेंड्स। तो जितना भी
आपका रामनाथ गोयनका जी की बारे में इंपॉर्टेंट बातें वो सब मैंने इस वीडियो में कवर की हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं किया क्योंकि वीडियो बोरिंग हो जाएगी, काम भर की चीज़ें आपको सारी पता चल गई हैं। रामनाथ गोयनका जी अक्सर कर न्यूज़ में रहने होते हैं, तो एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हमको पता होना चाहिए कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या किया। उनकी ज़िंदगी एक तरीके से स्ट्रगल था, जंग था। उन्होंने बिना पैसे के सामने अपने घुटने टेके सब कुछ करने की कोशिश की है और ये बहुत बड़ी बात होती है फ्रेंड्स। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट के थ्रू बताएं कि वीडियो कैसी लगी।